किसी मुल्क दे विच कोई लड़ाई लगती है, कोई भूचाल आउंदा, कोई हड़ आउंदा है, तो वह सूरमा सब तो अगे होंदा है। किहड़ा बलानी दस्सिओ? रवि सिंह खालसा एड वाले। ओके गाइस, ये जिहड़े पे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, देखो किन्ना समान आ गया। ये की आ, ये ट्रेनिंग कैंप आ, ये की वेयर हाउस आ। आ जाओ तुहानू दिखा लईए कि किन्ने असीं डेंजरस आ ते किन्ने असीं खतरनाक आ। ये देखो लंगर, देखो ये लंगर, हजारां लोकां नूं लंगर फड़ा के असीं सारे कुछ दुनिया कुछ कर सकते हैं। असीं इन्ने खतरनाक खालसा एड जथेबंदी आ, बच के रहो साडे कोलों। जे नहीं बच के रहे तुहाडे घर आ के असीं लंगर छका देवांगे तुहानू। जिहड़े दोस्त साडे नाल नवे जुड़े आ, बेनती आ बैल आईकॉन बटन जरूर प्रेस करन तां जो साडियां नवीआं अपडेट्स आ तुहाडे तक पहुँच सकन। तुसीं देख रहे हो जी खालसा एड वल्लों लत्तां दी मसाज लई जो मशीनां लगाईआं गईआं, क्योंकि काफ़ी किलोमीटर लंबा ये मोर्चा लगा होया ते पैदल तुरन दे नाल बजुर्गां नूं जां नौजवानां नूं दिक्कत आउंदी आ, जिहड़ियां कि लत्तां दफल लग जांदियां जां फिर प्रॉब्लम आउंदी, उहदे करके मशीनां लाईआं गईआं तां कि मसाज कीती जा सके। ते वाहिगुरू रब खालसा एड नूं दिन रात चढ़दी कला रखे, जिहड़ी पूरी दुनिया दे विच जा के सेवा करदी आ। खालसा एड वालों जो विश्राम घर बनाया गया तो उसकी एक झलक तुहानू दिखावांगे। इधर इशान घर जैंट मर्दा लई सब टूटियां ला के सब पूरा प्रबंध किया हुआ। ये ना कई वीर जिहड़े आ रहे आ, मतलब उत्थों पिछों कुंडली बैरियर तो सिंघू बॉर्डर तक, उन्होंने लगता कि खालसा एड का जिहड़ा विश्राम घर लभदा नहीं, क्योंकि असीं भी जो लास्ट टाइम आए थी सानू भी उस टाइम नहीं खालसा एड का मतलब लभदा नहीं सानू कि खालसा एड का कैंप कित्थे आ। ये सामने मेन रोड चल रहा, तो सामने मेन रोड चल रहा जिथे मेन पूरा मोर्चा लगा हुआ, इतने सामने स्टेज लगी हुई है। तो खालसा एड वालों ये जिहड़ा उपराला आ एक गली दे विच कीता हुआ तां कि इत्थे थोड़ा रश भी ना होवे, ते आपां तुहानू अंदरों दिखाउण दी कोशिश करदे आ। ये जिहड़ा सारा टेंट आ जी वाटरप्रूफ है, ते दिखाई जा खालसा एड विश्राम घर। पूरा इंतजाम खालसा एड वालों किया गया जी, शराब पी के अंदर आना मना है। ते टेंट दे विच कोई भी किसी भी तरह का कोई मतलब कोई बंदा गड़बड़ ना करे, इस करके सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो जे कि कोई अग वगैरह लग जाए तो उस अग बुझाऊ जंत्र भी उपलब्ध किए हुए हैं। बकरी मिसाल आ इस टेंट की। ओ यार तुरन वाली गल करया करो। स्पेशल सारे टेंट विच कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई भी
गलत आंसर कोई आके गलत घटना अंजाम ना दे सके। तो कंबल ही कंबल, नीचे गद्दे, बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ, पूरा कैमरे लगे हुए आ। चाहनी दे दूसरी साइड भी है, बट इधर हले तैयारी चल रही है, सफाई चल रही है। क्या बात है, देखो हर एक बिस्तरा, हर एक कंबल, सब कुछ नवा, बहुत बढ़िया प्रबंध किया हुआ। वाहेगुरु खालसा एड नू चढ़दी कला च रखे हमेशा। देखो ये और कंबल आ रहा है नवे, किसानी संघर्ष के खालसा आई डी खालसा एड के वॉलंटियर भी दिन रात सेवा के लगे हुए हैं। जिथे ये रहन बसेरा आलीशान, जिन्होंने आलीशान ही कह सकते हैं क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे आ, अग बुझाने जंत्र लगे आ, बिस्तरे ही बिस्तरे। जोड़े खालसा एड के वॉलंटियर आ वो अपनी ड्यूटी निभा रहे, तो जोड़ा भी इतने कोई आ रहा इस विश्राम घर के सौन लिये नाम पता आधार कार्ड आधार नंबर सारा कुछ नोट किया जा रहा। खालसा एड की सेवा बहुत बड़ी सेवा, पर इन्हों का सेवा करने का ढंग उस तो भी ज़्यादा वधिया। दोस्तों अभी इस टाइम खड़े हैं टिकरी बॉर्डर से, मैं तुम्हें खालसा एड वालों जो इतने मॉल एक बनाया गया आ वो लाइव तस्वीर तुम दिखा रहा किस तरह खालसा एड के वॉलंटियर दिन रात एक करके सेवा में लगे हुए आ। कपड़े धोन की सेवा चल रही है जी, जिहड़ा किसान मॉल तैयार किया गया है उहदे विच जिहड़ियां भी चीज़ां मतलब इत्थे लोड़वंदां नूं चाहीदियां आ वो चीज़ां प्रोवाइड करा रहा खालसा एड। जिस तरह तुसीं देख सकते हैं इत्थे सारा समान अवेलेबल आ, ते इह खालसा एड वल्लों गर्म पानी लई गीज़र बहुत जगह असीं देखते आए हैं। टिकरी बॉर्डर ते इह गीज़र मतलब संगत नूं दित्ते भी गए आ क्योंकि गर्म पानी दे गीज़र की काफ़ी ज़्यादा लोड़ सी। तो इस तरह तुसी देख सकते हर तरह का समान एक खालसा एड दे वलों सेवा की जा रही है। सरदार रवि सिंह खालसा जी का बहुत बहुत धन्यवाद आ, खालसा एड के वॉलंटियर दिन रात एक करके इस सेवा निभा रहे आ। ये किसान मॉल आ, ये वो किसान मॉल आ जिहदे विच हर तरह दीआं चीज़ां मतलब जिहड़ियां जिस तरह तुसीं देख सकते हैं नेल कटर कंघे ईनो ओडोमॉस सर्फ हिट गर्म टोपियां जुराबां हर एक चीज़ का मतलब जो आम जिंदगी दे विच आपां नूं जिहड़ियां चीज़ां दी लोड़ हुंदी आ उन्हां चीज़ां दे लंगर लाए गए खालसा एड वालों।
इस तरह देख सकते हैं मफलर ते जुतियां हर एक चीज इस तरह कंबल जिन्हां नूं कंबल चाहिए आ ते लगातार यह बहुत बड़ा उपराला सरदार रवि सिंह खालसा जी वालों जिन्होंने इस तरह का माहौल तैयार किया कि जिथे किसानों नू ठंड करके जिहड़ियां रोजाना मतलब चीज़ों की घाट पै रही थी फिर जिहड़ियां चीज़ां मतलब हर एक नू लोड़ थी ते इन्हां दा सेवा करन दा ढंग बहुत चंगा आ वो इस तरह के एक ट्रॉली कली कली ट्रॉली विच जांदे आ ते फिर उत्थों उन्हां नू एक कूपन दिंदे आ मतलब जिहनू जिहड़ी चीज़ चाहीदी आ फिर वो इत्थे आ के वो चीज़ लै सकदा आ ते इह बहुत वधिया ढंग आ क्योंकि किसी भी चीज़ फिर चीज़ा व्यर्थ भी नहीं जानिया क्योंकि कई बार चीज़ा मतलब इदा होंगे भी जिन्हों नहीं भी लोड़ वो भी बंदे चीज़ा लै जाते तो इस तरह मतलब टोकन देना या फिर कली कली ट्राली जाके पुछना भी कि चीज़ तुम्हें चाहिए है वो किसी भी चीज़ में व्यर्थ नहीं जाती कोई भी चीज़ तो इस तरह ये तुम देख सकते हैं गर्म कंबल लोइया ये बाहर बिस्तरे तो हले होर गर्म कंबल लोइया ये सारा कुछ आ रहा सरदार रवि सिंह खालसा जी का बहुत बड़ा उपराला है तो पूरे जिन्हें इन्हों के वलंटियर आ सारों दिलों धन्यवाद कि किसानी संघर्ष के बहुत बड़ा योगदान पा रहे हैं जिस तरह तुम पिछली वीडियो के भी देखा सी जिस तरह अभी तुम एक पहला वीडियो भी दिखाई आ जिहड़ा सिंघू बॉर्डर से इन्हां दे वल्लों विश्राम घर बनाया गया खालसा एड वल्लों वह भी काबिले तारीफ आ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा इत्थे हर एक चीज़ वधिया तरीके प्रोवाइड की जा रही है संगत नूं खालसा एड का बहुत बड़ा उपराला आ इस तरह कली कली चीज़ जिहड़ी भी चीज़ ये कपड़े धो हो रहे हैं जी जिहड़े कपड़े धो हो जाते हैं इन्हां नूं वक्रे वक्रे बैग दे विच पैक किया जाता ताकि वो जिन्हां दे कपड़े है उन्होंने डिलीवरी देने लई ते इह वो सारे लोग आ जी सारी संगत आ जिहड़ी अपने कपड़े धोण लई खालसा एड दे इस मॉल तक पहुँच कर रही है इस तरह कले कले बैग उपर नाम लिख के उन्हों का नाम लिख के फोन नंबर लिख के देख सकते टोकन लगा के तो फिर ये कपड़े धोने लिए रखे जाते हैं तो उस बाद जो ये कपड़े सुखा के फिर दोबारा संगत को दिते जा रहे हैं ये बहुत बड़ी सेवा आ क्योंकि ठंड के दिन गर्मियों के औखे सौखे सर जाता ठंड के ज़्यादा दिन भी गंदे कपड़े भी पा के नहीं रख सकते इस तरह सिंघू बॉर्डर के उपर लत्तां की मसाज करने लिए मशीन लगाईया गई सन इस तरह टिकरी बॉर्डर के उपर भी खालसा एड वालों प्रबंध किया गया क्योंकि जिन्हें काफ़ी पैदल तुरन के नाल लत्तां दे विच पेन या फिर गोडे दर्द होने लग पाते बजुर्गों के तो इस तरह इधर लाइव नहीं लाइव तो होता ही नहीं यार इंटरनेट ही नहीं पीवी सात बार जिस तरह दोस्तों के तुम देख सकते हैं कि तुम मैं खालसा एड वालों जो किसान मॉल खोलिया गया है वो दिया तस्वीर अंदरों दिखा के लगाया तो ये सारे वो मतलब सारी संगत है जिहड़ी लाइनां दे विच लगी हुई है तो जिन्हां नूं समान चाहिए जिन्हां लई कोई ना कोई समान की लिस्ट जिन्होंने लिखाई हुई है तो ये इस टाइम लंच टाइम होया इस टाइम मॉल बंद आ तो 2:30 बजे मॉल खुलूगा 2:30 बजे तो बाद सारी संगत नूं जिहड़ा समान चाहिए होगा वो समान दिता जाऊगा
ਖਾਲਸਾ ਐਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ Thank you.